प्रदेश की केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती आज अपने कन्नौज दौरे से पहले जनपद जालौन के कालपी पहुंची, जहां पर उन्होंने एमबी स्कूल के प्रांगण में अपने उड़न खटोले को उतारा। भाजपा के क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र पाल सिंह यादव ने एवं अध्यक्ष अमित पांडे के अलावा जिले के सत्ताधारी जिलाध्यक्ष व वर्तमान सांसद भानु प्रताप वर्मा निकटतम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं विधायक के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि कन्नौज जा रही थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किराए पर लिया गया था। इसके बाद वो गाड़ी से कन्नौज जाएंगी। वहीं उन्होंने पर्यटन स्थल घोषित करने की भी बात कही, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से पूछताछ की। तो आइए दिखाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कहा। मैं कन्नौज जा रही हूँ और ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किराए पे लिया गया हेलीकॉप्टर था, तो मैंने कहा आप मुझे बस कालपी तक छोड़ो, आगे मैं गाड़ी से जाऊँगी। कालपी एक पर्यटक स्थल है, तो क्या यहाँ पर भी महारानी लक्ष्मीबाई का भी यहाँ पर एक किला है? जो मैंने टूरिस्ट सर्किट बनवाया था झांसी के लिए, उसमें कालपी है और कालपी से लेके बिठूर तक है, सारा उसके अंदर शामिल है, क्योंकि कालपी ने तो एक गौरव गाथा लिखी है और वैसे भी ये पौराणिक स्थान है महर्षि वेदव्यास का। ऐतिहासिक स्थल है जो घाट पे किले वो कट रहा है यमुना से कटा होगा उसके बारे में जो बनेगा हम कटान को पूरा रोकेंगे। नहीं सर, एक बार आपने कहा था ये पर्यटन घोषित होगा, ये नगर आज भी नहीं हो पाया है और यहीं से बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। ये होगा, घोषित होने की जरूरत नहीं, वैसी पर्यटन स्थल है, लेकिन हाँ सरकार भी करेगी। हाँ जी करेगी जी। मैडम यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ कॉलोनी जो यहाँ बनी हुई है, कूड़े के ढेर में यहाँ पे लोग रह रहे हैं जो अभी कॉलोनी में। बात करती हूँ क्योंकि कालपी ना शहर है, तो ये मेरे मंत्रालय का नहीं, अर्बन डेवलपमेंट का, लेकिन उनको बता दूंगी मैं जरूर, मेरी जिम्मेवारी है। आपने कहा ये जिम्मेवारी है। जालौन से UP24 न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।